गाइस, तो ये आपके सामने खड़ी है द रियल किंग ऑफ 125, जो कि आप हमारे सामने देख सकते हैं 2024 हीरो एक्सट्रीम 125R, जो कि आपको ब्लैक और साथ साथ आपको ग्रे कलर के साथ देखने को मिलेंगे, और कहीं कहीं आपको रेड कलर का भी टच दिया गया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस गाड़ी का फुल डिटेल ऑलराउंड रिव्यू करने वाले हैं। इस गाड़ी का अभी का आपको ऑन रोड प्राइस क्या है, इसे आप माइलेज कितना का निकाल पाएंगे, इस गाड़ी का आपको टॉप स्पीड क्या है, और साथ साथ इसमें आपको क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, हर एक उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि इस गाड़ी में आपको टोटल 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और साथ साथ आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। एक वेरिएंट जो इसका टॉप मॉडल में आता है, जिसमें कि आपको ABS देखने को मिल जाएगा, और इसका जो नीचे वाला मॉडल आता है, जिसमें कि आपको IBS ब्रेकिंग सिस्टम के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और ये जो आप हमारे सामने मॉडल देख रहे हैं, जो कि आपका टॉप मॉडल है, जिसमें कि आपको फ्रंट में सिंगल चैनल ABS का भी आपको सपोर्ट दिया गया है। तो सबसे पहले इसके फ्रंट के साथ शुरुआत किया जाए, तो यहाँ से इस गाड़ी का फ्रंट डिजाइन को देख पाएंगे, जो कि आपको कितना ही ज्यादा एग्रेसिव देखने को मिलता है। 125 सीसी के हिसाब से देखा जाए तो आपको टोटली यूनिक डिजाइन में देखने को मिलेंगे। इस जगह पे आपको दोनों साइड आपको DRL लाइट देखने को मिलता है, जो कि आपको फुली LED में ही दिया गया है। यहाँ पे देखें तो आपको हीरो का लोगो भी मिल जाएगा। नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आप इसका इंडिकेटर देखेंगे, ये भी आपको फुली LED में दिया गया है, और साथ साथ इसमें आपको 1000 लाइट के पॉइंट भी देखने को मिलते हैं। ए पार्ट देखेंगे, जो कि आपको टोटली ग्लॉसी रेड कलर में दिया गया है। नीचे में आएंगे तो यहाँ पे आपको बाईफंक्शनल LED प्रोजेक्टर लाइट दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पे 2 पीस मिलने वाला है, और दोनों साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर लाइट दिया गया है। इसका मैं आपको इल्यूमिनेशन को चेकआउट कराऊं, जो कि आप यहाँ से ही देख पाएंगे, ऑफकोर्स आपको बहुत ही अच्छा इल्यूमिनेशन मिलने वाला है। राइड करने में आपको नाइट में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। नीचे की ओर आएंगे तो आप इसका मडगार्ड देखेंगे, जो कि आपको डुअल टोन कलर में दिया गया है। सस्पेंशन देखेंगे, जो कि आपको 37mm के आपको मोटे सस्पेंशन दिए गए हैं। टेलीस्कोपिक आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखें तो आपको ABS का स्टिकर भी मिल जाएगा, जो कि आपको एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। यहाँ पे आप इसका डिस्क देखेंगे, जो कि आपको 276mm के आपको यहाँ पे फ्रंट में डिस्क दिए गए। यहाँ पे आप इसका ABS का प्लेट देखेंगे, रिफ्लेक्टर आपको इस जगह पे मिल जाता है। तो टायर की ओर देखा जाए, जो कि आप यहाँ से देखेंगे 90x90 सेक्शन के इसमें आपको फ्रंट टायर दिए गए हैं, जहाँ की आपको 17 inches के आपको स्प्लिट में आपको यहाँ पे अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे, आपको अच्छे डिजाइन में मिल जाता है। दोनों ही टायर आपको ट्यूबलेस मिल जाते हैं, और आपको MRF कंपनी की तरफ से इसमें आपको टायर दिया गया है। और जब गाड़ी के आप साइड प्रोफाइल की ओर आएंगे तो साइड प्रोफाइल देख सकते हैं, साइड प्रोफाइल से भी आपको एग्रेसिव मिलने वाला है, आपको मस्कुलर देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसका जो टैंक है, जो कि आपको 10 लीटर के साथ देखने को मिलता है। यहाँ पे देखें तो आपको ट्रिपल टोन कलर का यूज किया गया है, ये आप देखें इधर ग्रे कलर के मिलेंगे, इधर आपको हल्के से ब्लैक कलर के दिए गए। साथ साथ आप यहाँ वाला ए पार्ट देखेंगे, जो कि आपको यहाँ पे टोटली रेड कलर का यूज देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको R को भी मेंशन किया गया है, और ऊपर में आपको 125 को भी मेंशन किया गया है। और आप टैंक स्लाउड्स देखेंगे, जो कि आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव देखने को मिलता है। इस जगह पे देखें तो यहाँ पे आपको एक्सट्रीम को भी मेंशन किया गया है डुअल टोन कलर में। एक गाड़ी है जो कि आपको E20 को भी सपोर्ट करने वाली है, उसके लिए आपको यहाँ पे स्टिकर भी देखने को मिल जाएगा। और जब गाड़ी के सीट की ओर आएंगे तो यहाँ पे आप इसका सीट देखेंगे, स्प्लिट में आपको सीट मिलता है। राइडर का ए आप सीट देखेंगे, जो कि आपको चौड़ा दिया गया है, और इसके अंदर जो रुई दिया गया ये भी आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और आप इसका पिलियन का सीट देखेंगे, ये भी आपको बड़े दिए गए, जिससे पिलियन को भी बैठने में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इस तरफ देखें तो यहाँ पे आपको स्प्लिट में ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है, जो कि आपको रेड कलर में ही दिए गए। नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे इसका रियर में ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे, 130mm का आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक दिया गया है। या आप इसका एग्जॉस्ट देखेंगे, सिंगल बैरल एग्जॉस्ट दिया गया है। आगे चल के इसका मैं आपको साउंड को भी चेकआउट कराने वाला हूँ। ऊपर में देखें तो यहाँ पे आपको मेटल के प्लेट भी यूज किए गए हैं। इधर आप यहाँ पे देखेंगे, जहाँ की आपको हीरो को मेंशन किया गया है, और ये आप साइड पैनल देखेंगे, जहाँ की आपको ग्रे कलर के यूज देखने को मिलते हैं। इस गाड़ी की अच्छी बात यह है कि इसमें आपको किक स्टार्ट के भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, और इस गाड़ी में जो इंजन मिलता है, जो कि आपको 124.7 सीसी का दिया गया है, सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक ट्यूब हेल्प के साथ देखने को मिलते हैं। एयर कूलिंग को ही सपोर्ट करने वाली है। इस गाड़ी से आप माइलेज अप्रोक्स देखा जाए, जो कि आपको 60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आराम से निकाल पाएंगे, बट जो कंपनी क्लेम करती है, जो कि आपको 66 किलोमीटर पर लीटर का नहीं क्लेम करती है कि आप इससे माइलेज निकाल सकेंगे। टॉप स्पीड है, जो कि आपको लगभग 115 किलोमीटर पर आवर का इसमें आपको टॉप स्पीड मिल जाएगा। और साथ साथ ए गाड़ी का जो इंजन है, जो कि आपको 11.4 PS का पावर और 10.5 Nm का ए गाड़ी आपको टॉर्क देने वाली है। सफिशियंट पावर एंड टॉर्क देखने को मिल जाएगा। इसके जितने भी कंपटीटर हैं, हर एक गाड़ी से लगभग आपको 19-20 में ही आपको डिफरेंस देखने को मिलता है पावर एंड टॉर्क में। और जब गाड़ी के आप टोटली रियर सेक्शन की ओर आएंगे तो यहाँ पे आप इसका रियर सेक्शन देखेंगे, जिस जगह पे आपकी LED में लाइट दिया गया, इसका इल्यूमिनेशन चेक करेंगे, जो कि आपको ज्यादा मिल जाता है।
यहाँ पे इसका टेल टाइडी देखेंगे जो कि आपको टोटली अंदर में मेटल का यूज किया गया है। यहाँ पे आपको 1000 लाइट के पॉइंट मिलेंगे, इस जगह पे आपका नंबर प्लेट लग जाएगा। और इसका रियर का मडगार्ड देखेंगे जो कि आपको साइड में माउंट किए गए, बहुत ही अच्छे से आपको माउंटिंग देखने को मिलेगा। यहाँ से कोई भी आपको आवाज फालतू का नहीं फील होने वाला है। और जो रियर टायर है जो कि आपको 120 सेक्शन का दिया गया है, आपको मोटे टायर देखने को मिलेंगे जिससे आपको ग्रिप भी अच्छा मिल सके। और इसके रियर में देखेंगे तो यहाँ पे आप इसका रियर का सस्पेंशन देख सकते हैं जो कि आपको मोनोक्रॉस टाइप का यहाँ पे सस्पेंशन दिया गया है। 125 सीसी के हिसाब से देखा जाए तो आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। और जब गाड़ी के आप टोटली लेफ्ट साइड आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो कि आपको सारी कार का ऑप्शन आपको पहले से मिल जाता है जो कि आपको टोटली यूनिक डिजाइन में देखने को मिलेगा। आप इसका देख सकते हैं फाइबर में जो कि आपको अलग डिजाइन में देखने को मिलता है। चेन देखेंगे जो कि आपको टोटली ओपन दिया गया है, लुब्रिकेशन करने में आपको कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इस तरफ देखें तो यहाँ पे आपको मिडिल स्टैंड का ऑप्शन मिलेंगे और इस जगह पे आपको साइड स्टैंड दिया गया है। और साइड स्टैंड में इसमें आपको साइड स्टैंड कटअप सेंसर के भी फीचर्स मिल जाएंगे। और टोटल इस गाड़ी में आपको 5 गियर का आपको ट्रांसमिशन भी मिलने वाला है। और जब गाड़ी के आप मीटर कंसोल की ओर आएंगे तो यहाँ पे आप इसका मीटर कंसोल देखेंगे जो कि आपको फुल्ली डिजिटल में आपको यहाँ पे मीटर कंसोल दिया गया है। सबसे पहले इसे मैं ऑफ करता हूँ फिर से ऑन करता हूँ, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो कि आपको स्पीडोमीटर का ऑप्शन मिलेंगे, ये आपको टैकोमीटर दिया गया है। यहाँ पे आपको डिजिटल में क्लॉक मिल जाएगा, नीचे में आपको काफी कुछ इंडिकेटर भी दिए गए। और यहाँ पे आपको 9000 आर्किंग के बाद ये गाड़ी आपका रेड लाइनिंग कर जाता है। और साथ साथ इसमें आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे जो कि आपको मोबाइल कनेक्टिविटी के ऑप्शन दिए गए, जहाँ की आपको कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट और आपको बैटरी कितना चार्ज है वो हरे कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नीचे में आपको फ्यूल गेज दिया गया और इसे टॉगल करने के लिए आपको यहाँ पे दो बटन देखने को मिलते हैं। इस वाले मोड वाले बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे जो कि आपको एवरेज माइलेज क्या दे रही गाड़ी वो आपको बताने वाली है। फिर से दबाएंगे तो आपको यहाँ पे ओडोमीटर मिल जाएगा, एक बार और दबाएंगे तो आप इसका ट्रिप 1 देख सकते हैं, फिर से आपको ट्रिप 2 दिया गया है। और यहाँ पे देखिए जो कि आपको एवरेज स्पीड क्या है इस गाड़ी का, मतलब कि आपको माइलेज क्या दे रही है वो आपको बताने वाली है। तो इतना कुछ आपको फीचर मिलेंगे, फीचर लोडेड आपको यहाँ पे मीटर कंसोल दिया गया है। की ओर देखेंगे जो कि आपको दो की कंपनी की तरफ से मिल जाता है, जहाँ की आपको हीरो को भी मेंशन किया गया। आपको नॉर्मल डिजाइन में आपको यहाँ पे की देखने को मिलेंगे। इस जगह पे आपको सिंगल पाइप का हैंडल बार दिया गया है। स्विचेस की ओर देखा जाए जो कि आपको प्रीमियम क्वालिटी में मिल जाता है। यहाँ पे आपको 1000 लाइट के पॉइंट देखने को मिलेंगे जिसे आप यहाँ से ऑन ऑफ कर पाएंगे। आप देखें लो बीम या आपको हाई बीम का बटन दिया गया है। इस जगह पे आपको पासिंग के बटन मिल जाएंगे, लेफ्ट हैंड या आपका राइट हैंड का स्विच दिया गया है, आपका हॉर्न के स्विच दिए गए हैं। सिंगल हॉर्न मिलेंगे बट साउंड आपको सफिशियंट मिल जाता है। इस तरफ देखें तो यहाँ पे आपको इंजन ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है, इस जगह से आप इसे सेल्फ स्टार्ट कर पाएंगे। तभी का जस्ट आपने इस गाड़ी का एग्जॉस्ट साउंड को सुना, आपको आपको इंजन में अच्छा खासा रिफाइनमेंट देखने को मिलेगा। इस गाड़ी को सिटी में राइड करने में आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और इस गाड़ी का जो वजन है जो कि आपको मात्र 136 केजी का ही रखा गया है, जिसे कोई भी आदमी इस गाड़ी को कंफर्टेबली चला सकता है, आपको कहीं से भी ज्यादा भारी फील नहीं होने वाला है। और इसका जो सीट हाइट है जो कि आपको 794 mm का इसका सीट हाइट रखा गया है। एक बार मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ क्योंकि मेरा जो हाइट है 5.6 इंचेज रखा गया है। और दोनों साइड आप मेरा पैर देख पाएंगे जो कि बहुत ही कंफर्टेबली हट चुका है। ऐसा चीज गाड़ी को मुझे राइड करने में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और सीटिंग पोजीशन देखेंगे जो कि आप टोटली सीधा बैठते हैं, ना ही आपके हाथ में दर्द होगा और ना ही आपके कंधे पे दर्द होगा जब इस गाड़ी को आप लंबे समय के लिए भी राइड करेंगे तो। और लास्ट में अब मैं आपको बताता हूँ कि इस गाड़ी का अभी का आपको ऑन रोड प्राइस क्या पड़ने वाला है। अभी फिलहाल देखा जाए जो कि मैं नोएडा सेक्टर 5 पे हूँ जो कि आपको उपल हीरो पे हूँ। और यहाँ का इस गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस पड़ने वाला है जो कि आपको 1,20,500 रुपीज का इस गाड़ी का अभी का आपको ऑन रोड प्राइस रखा गया है। शोरूम का जो भी कॉन्टैक्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको सब शोरूम विजिट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आके हीरो की किसी भी प्रोडक्ट को चूज कर पाएंगे। तो मैंने कहा इस गाड़ी के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थे इसके डिटेल रूप में वो मैंने आपको हर एक कुछ अच्छे से बता दिया है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन होता तब आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।